पंजाब फूड अथॉरिटी की गफलत जो मैं सरेआम दिखा रहा हूँ, प्रोग्राम को नया रंग देने की कोशिश की गई। बॉटल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, फूड गेट बॉटल्स नहीं है, ढक्कन के ऊपर सिर्फ स्टिंग लिखा है जो कि धोखेबाजी की जाती है किसी के भी इस्तेमाल करने के लिए। मियाँ साहब आओ बुलाओ। उसके बाद किसी किस्म के इंग्रीडियंट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी बंदा बाहर है, फैक्ट्री में लड़के काम कर रहे थे सारे के सारे गायब हो गए हैं, जबकि इस गंदगी में ये बॉटल्स बनती है। गंदगी आप देख रहे हैं, इस गंदगी की असल में हम निशानदेही कर रहे थे, लेकिन इन्होंने हमारा ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, डिस्ट्रैक्ट करने की हमें कोशिश की गई कि हमारा ध्यान यहाँ से ना वहाँ चला जाए, तो ऐसा होना नहीं था। ये बड़ी सीधी बात है, पंजाब फूड अथॉरिटी की गफलत दिखाना मेरा बहुत ज़रूरी काम है और ये मेरी ड्यूटी में शामिल है, ये मेरे फ़र्ज़ में शामिल है। जिसकी मैं तनख्वाह लेता हूँ मैं वो हलाल कर रहा हूँ, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी में बैठा हुआ कोई अफसर अपनी तनख्वाह हलाल नहीं कर रहा। उस वो अपनी तनख्वाह अपनी नौकरी को किस तरीके से हट हरामी से या हट धर्मी से चला रहा है वही आप देख सकते हैं। ये गंदगी इस बॉटल से उसके बाद ही बॉटल्स को फिल किया जाता है जी। ऐसे ये जो बॉटल्स रह जाती हैं, ये बॉटल साइड पर रखी हुई हैं, इन्हें इस तरीके से फिल किया जाता है। जिस पर मैंने बात की जी आपका स्किन टेस्ट हुआ है, तो कहते हैं स्किन टेस्ट नहीं हुआ है, ऐसे बॉटल्स फिल की जाती हैं ये, और उसमें आपकी बॉटल्स लाई जाती हैं। ढक्कन के ऊपर सिर्फ स्ट्रिंग लिखा है, कोई ग्रे स्किन स्ट्रिंग नहीं लिखा किसी भी किस्म का। अभी जब हम लोग थोड़ी देर पहले यहाँ पर मौजूद थे, ये सब लोग यहाँ से मौजूद थे, उस वक्त सब लोग यहाँ से भागे हैं। इसका एड्रेस पंजाब फूड अथॉरिटी को दिया जाएगा। अगर पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करनी होगी तो हलाल करके मैं दिखाती हूँ, हाँ जी कार्रवाई हो सकती है कि नहीं कार्रवाई हो सकती। मियाँ साहब बंदे कितने गए? बंदे बाहर खड़े हैं। पहले तो मैंने तुझे ना अपना ना दसो, मैं आदो भट्टी साहब भाई, बात ये है कि हमारे लिए एस ओ पीज है, कानून है, उन लोगों के लिए कानून नहीं है। उनके वीडियो बनाए, उनका कार्ड चेक करें, वो कौन सी न्यूज़ वाले हैं साहब? जब मेरे मेरे ऊपर आएंगे तो मैं करूंगा। करो आपके आपको मिलने आया, मैं बाइक से अंदर आया हूँ। जिस वक्त जो बंदा आपसे मिलने आया, आपसे बात करने, उसका जवाब आपने देना है। अच्छा। मेरे अगर वो साथ होंगे ना तो मैं उनकी हिमायत कर रहा हूँ खड़े होकर, मैं फिर प्रोग्राम नहीं करूंगा। मैं तेरे को कहूंगी मैंने भी दियो पैसे। नहीं नहीं, वो इधर क्या लेने आए हैं? मैं सब उन्होंने आप पूछो ना, उन्होंने पूछा मेरे प्रोग्राम तो बाद उन्होंने पूछो। चलो मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरी बात सुने, आपका प्रोग्राम कितना बताया? मेरा प्रोग्राम 5 मिनट का या 10 मिनट का जितने भी लगे, मैं उस प्रोग्राम के अंदर आपके अज़ा देखना चाह रहा था। मैं उसके अंदर वो आप कह रहे थे मेडिकल सर्टिफिकेट आ रहा है वो देखना चाह रहा था। मैं उसके अंदर ये देखना चाह रहा था कि बॉटल्स के ऊपर जो लिखा हुआ है स्ट्रिंग के ढक्कन पे, आपने कहा जी हमने ये लिखवाया पंजाब फूड अथॉरिटी से, मैं वो देखना चाह रहा था। मैं तो उसका इंतजार कर रहा था, आप दिखा सकते हैं तो दिखा दें। नहीं नहीं है तो मुझे कह जी मेरे पास नहीं है। नहीं, वो लड़का लेने गया है। हाँ जी ठीक है, वो जो ओरिजिनल कागज है ना फाइल, वो घर में पड़ी हुई है। मैं उस दिन फूड अथॉरिटी डॉक्टर गया था। नहीं चाहिए ना, मेरी बात सुनिए, इधर से चोरी होगी तो क्या करेंगे? लॉकर बने होंगे इतने? नहीं, इतने भी लॉकर, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं है। बड़ा प्लांट, क्या ये प्लांट है? ये क्या है? माशाल्लाह एक सिस्टम ही है। नहीं सिस्टम है, ये पूरे महीने की हमने प्रोडक्शन करके रखी है। मैं कहूंगा करोड़ों का नहीं होगा, लाखों का सिस्टम होगा ना माशाल्लाह। मियां साहब तो बंदा इधर सीधा रख लेता कि कोई आ सकता है यार, हम अगले का मुंह आपका कहां था, मेरा मुंह बंद कर देते, मैं यहां से जलील होके जाता। नहीं नहीं बनता, ये नहीं नहीं जलील नहीं करना। आप भाई हो? नहीं भाई हो आप, आपका काम इस तरह नहीं है भाई हो आप। नहीं नहीं आप भाई हो इस तरह नहीं है। हाँ जी मैं आपको फाइनल जो है कागजात वो दिखाता हूँ। हाँ जी आप बैठे। हाँ जी रोजा है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रोजा है, सबका रोजा है, अल्हम्दुलिल्लाह सबका रोजा है। हमने बैठना नहीं है, अगर आपके पास कागज है फाइल है आप मेरा नंबर लेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, मेरे प्रोड्यूसर का नंबर लेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप। लेकिन मेरे एक कैमरे के साथ मेरे साथ आज आप रमजान का महीना है मुसलमान ऐसे मेरे साथ ये प्रॉमिस करके जाए कि जो मीडिया वाले आम बंदे को ब्लैकमेल कर रहे हैं आप मेरा क्या साथ दे सकते हैं? मियां साहब हम आपका वही साथ दे सकते हैं जो आप कर लेंगे। हम आपके साथ हम आपका ये साथ दे सकते हैं ना कि हम आपके साथ खड़े हैं। हम ये नहीं चाहेंगे आपको ब्लैकमेल क्या उसमें, लेकिन अमल क्या है आप ये सोचिए। जिस तरह हमारे एसओपीज में अगर हम कोई काम गलत करते हैं, हाँ जी हमारे फूड वाले आते हैं हमारे खिलाफ एफआईआर भी करते हैं, आपको पुलिस दी आपको 15 दिया को ब्लैकमेल करेगा, सेशन लगता है जी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अगला बंदा आपको जो ब्लैकमेल कर रहा है अपनी कमजोरी अगले को दी होगी, आपको कर रहा होगा। कोई नहीं कोई नहीं है तो 15 की पुलिस बुलाए, अगले को पकड़वाएं, बात खत्म। क्या होगा वो 20 बंदे आ जाएंगे मीडिया वाले उसके पीछे, पुलिस वाले उनके आगे बोलते नहीं है। मियां साहब हमारा जो पूरा एक निजाम है, हमारा पूरा एक निजाम पूरा चेन जो है, मियां साहब आपको भी पता है मुझे भी पता है। हम आए तो बताइएगा। मैं एक सियासी वर्कर भी हूँ, मैं फ्लाई काम भी बहुत करता हूँ, मुझे शौक है शुरू से ना। ठीक है तो मैं भी इस पाकिस्तान के निजाम को जानता हूँ। बिल्कुल ठीक है, क्या आपको भी पता है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन चलो ये कारोबार है, बदलना है अपनी आने वाली नस्ल के लिए। मियां साहब बदलना है, हम कोशिश करेंगे, खुद बदलना है, बदलना है। इसलिए अगले को ऐसा मौका ना दिया। देखे मुझे मौका मिला हुआ है, मुझे मौका मिल गया ना। स्किन टेस्ट नहीं थे, गंदे हाथों से पानी भर रहे हैं, दीवारें आधी आधी गंदी थी, मुझे मौका मिल गया, मैंने उसकी निशानदेही कर दी। और यह गलत है, गलत है, गंदा है, गंदा है, गंदा है, मैंने निशानदेही कर दी। नहीं होगा तो बस आपको ये पता है मियां साहब, बकायदा वर्कर्स का यूनिफॉर्म होता है, हाँ जी साफ सुथरा होता है कि उनको वो पहनाना होता है। बिल्कुल ठीक है, ये वर्कर है? नहीं नहीं कौन है ये? भाई भाई आप जो वर्कर होता है ना
उसका काम है बकायदा यूनिफॉर्म होता है, इंजन नाला टोंगे आया शलवार डिग्गी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला जब आप नेक्स्ट टाइम, मैं आपको बुलाऊंगा, ठीक है कि नहीं, मैं आपको बुलाऊंगा इस फैक्ट्री में, मैं खुद बुलाऊंगा। और दूसरा मैं ये ताउन चाहूंगा, मैं फोर्ड वालों के साथ भी ताउन मैं करता हूँ, जो बंदा को आके कहना है भाई जान मेरी बोतलों को प्रूव कराओ, मैं मुझे फूड गेट बॉटल्स का बताओ कि फूड गेट बॉटल्स कौन सी है, ठीक है ढक्कन के ऊपर मैंने ग्रेस, मैं ये बड़े अरसे से काम कर रहा हूँ, जो मैं जानता हूँ ना टेक्निकल मामला, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नालायक आदमी हूँ, मैंने मान लिया, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैं पढ़ा हूँ ना, मैं अभी आपको गूगल करके दिखाता हूँ, अगर आपका नेट चल रहा है, फूड ग्रेड प्लास्टिक किसे कहते हैं, अभी आपके सामने निकला है, मैं आपको इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दिखा सकता हूँ, ठीक है ठीक है, उधर पानी आता है, फिर उसमें आरओ होता है, फिल्टर प्लांट हो गया, ये चिलर है, इसमें पानी ठंडा होता है ना, ठीक है, ये कोल्ड स्टोरेज है, हाँ जी, इसमें पानी ठंडा हो रहा है आरओ प्लांट से होके आने के बाद, हाँ जी ठीक है, उसके बाद आगे जा, ठीक है जी, ठीक है, ये इसमें चीनी है, अच्छा चीनी और फ्लेवर जो पंजाब फूड पार्टी ने हमें कहा है ना, वो फ्लेवर इस्तेमाल कर, मैं आपसे पूछूंगा वो कौन सा है, मैं पहले देखना चाहता हूँ आपको क्लियर क्या है, उसके बाद मैं अगली बात पे आऊँगा, आइए मियां साहब किधर है बताएं, ये उसके बाद ये CO2 का सिलेंडर है, अच्छा जो CO2 वो जो पानी आ रहा है, हाँ पानी आने के बाद किधर जा रहा है, ये इस कार्गो कूलर में जा रहा है, ठीक है इसके अंदर जा रहा है, उसके बाद, उसके बाद इधर आ रहा है इस नोजल में, ठीक है ठीक है, उसके बाद जो इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर को गैस ऐसी खास शामिल की जाती है जो इन बॉटल्स में इस्तेमाल होती है, जी वो सिलेंडर जो लगा हुआ है ना, हाँ वो CO2 गैस है, ठीक है, जो हर मतलब पेप्सी वाले भी करते हैं, कोक वाले भी करते हैं, ठीक है, हम भी वो ही करते हैं, ठीक है, ये गैस उस कार्गो कूलर में जा रही है, उधर फिल्टर वाला पानी उसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, उधर ये गैस जा रही है, साफ सुथरा पानी उसके अंदर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उसके आगे ये फिल्म हो रहा है, ये सब इधर इस तरफ आते हैं जी, ये जो आपके लड़के इस पर काम कर रहे हैं, इस समय आना चाह रहा हूँ, आ जाए आप इधर आ जाए, फिर बच्चों से आपके बारे में, इन बच्चों से पूछूंगा, बॉटल्स आती हैं उसके बाद फिल की जा रही है, फिल करें कैसे, फिल कर रहे हैं जरा, ये इधर हो फिल करें, नहीं वो ये बॉटल से फिल कर रहे हैं, प्लास्टिक की बॉटल से कैसे करें, करें जरा, नहीं वो करें जरा करके दिखाएं, ये उंगलियां लग रही हैं, ये अंदर फिल हो रही है, कर क्या रहा है, ये बॉटल को किस चीज से फिल नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं, होता ये है कि जिस तरह ये इसने बोतल फिलिंग की है, हाँ जी ये जब पूरी फिलिंग नहीं हुई, नहीं जब इधर से उतारते हैं ना, हाँ जी, तो होता ये है कि ये बार दफा ऊपर आ जाती है, ठीक हो गया, तो वो जो इसी पानी से ये बोतल फिलिंग हुई है, वो थोड़ी ऊपर डाल के उसका लेवल जो होता है ना, हाँ जी, क्योंकि मैनुअल काम हम कर रहे हैं उसको बराबर कर दिया, उसको बराबर करके टक्कर लगा दिया, अब ये जिस तरीके से कर रहा है, जिसने अभी ये कर रहा है, नहीं ये कोई एक आधी बोतल होती है, हाथ उसके देख लें क्या इस बंदे का एक आधी बोतल हो, चले आधी बोतल, मैं कहता हूँ 10 बोतल नहीं है, एक बोतल है, ठीक है, इस बंदे का स्किन टेस्ट हुआ है मियां साहब, हाँ जी हुआ है, इसका सर्टिफिकेट है स्किन टेस्ट का, ये भी फूड वाले करते हैं मेडिकल हर साल बाद, 6 महीने बाद होते हैं मियां साहब, नहीं नहीं एक साल बाद, आपने करके देना होता है, नहीं नहीं एक साल बाद होता है, हाँ वो फूड वालों ने हमने वो फीस जमा कराई है, हाँ जी, और रमजान के बाद उन्होंने कहा आ जाना इनके टेस्ट लेंगे, आपको उससे पहले फिर इसको काम करने देना, नहीं तो फिर क्या करें हम, गरीब आदमी है, नहीं मेरी बात सुनिए सब, ये बहाना नहीं, नहीं नहीं बहाना नहीं है, बहाना नहीं है, बात फिर गलत हो जाती है, जो आपने बात मैं सुनता आ रहा हूं, नहीं मेरी बात सुनिए, जो गरीब लोग हैं, हाँ जी, जिस तरह मुल्क के हालात चल रहे हैं, बिल्कुल उनको हम मार दें, फिर मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ इसको मार दें, नहीं क्या होना चाहिए, अगर खुदा ना खास इन्हें कोई बीमारी हो, उस बीमारी से आप और मैं मर जाएं, नहीं मुझे बता दें, नहीं कोई ऐसी बीमारी नहीं, हम हर साल इनका टेस्ट कराते हैं मेडिकल ना, आपने भी रिसेंटली काम शुरू किया है, आप कह रहे हैं रिसेंटली काम, नहीं नहीं मेरी बात सुने ना, हर एक चीज का एक साल टाइम होता है ना, हाँ जी, अभी हमने इनकी फीस जमा कराई है, हाँ जी मेडिकल की, हाँ जी ठीक है, जब वो मेडिकल की उन्होंने कहा कि रमजान के बाद आके इनकी टेस्ट रिपोर्ट दे, ये सब बंदा जब पानी में काम कर रहा होता है ना, उसके हाथों में वैसे बीमारियां पानी से भी लग जाती होती है, हाथ उनके लाल हुए पड़े हैं, देख लो उनके हाथ, ये गरीब बात है, नहीं इन्हीं हाथों से इस अंदाज से या साहब एंजो फट के ना एंजो बोतल बंद, मेरी बात दो उंगलियों से बोतल को रोक रहे हैं, आपके सामने है ना, चल अगर इसमें कोई मिस्टेक कर रहे हैं, ये मिस्टेक है, एक बोतल खाएंगे ना, इस बात को मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं कि इनका स्किन का कोई इशू नहीं है, कोई गल नहीं, खैर है काम चल रहे हैं, दो ग्लव्स उनके हाथों में नहीं है, आप इसी तरह बॉटल्स में बॉटल को फिल कर रहे हैं, आप कहते हैं ठीक है काबिले कबूल है, आप कहते हैं जी काबिले कबूल है, फूड अथॉरिटी से मैं खुद पूछ लूंगा।